चलो। ये मेरी प्यारी बेटी, अरे बाप रे बाप, फातिमा तो भाग रही है यार, क्या बात है। चलो चलो आगे, ऐसे ऐसे चलो, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों का वेलकम है एसेंशियल ब्लॉग में। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरी कल मतलब जो दाग वगैरह हुआ था वो तो अभी तक वैसे ही के वैसे ही है। थोड़ी और सूजन बढ़ गई और अभी बच चुके हैं सुबह के 11 और मैं निकला हूँ। घर में ना अजुमा भी है तो हम लोग चिकन बनाने वाले हैं, तो वही जा रहा हूँ सब सामान वगैरह सोलिहा को ला के देता हूँ, वो अपनी तैयारी करते रहेंगे। मामी ने कपड़ा गिराया इसका, रख दिया मैंने उसको साइड में। इतना अच्छा कप स्काफ था, गिरा हुआ था ज़मीन पर राशन की दुकान पर। वहाँ से बहुत थोड़ा बहुत सामान लेते हैं, फिर यहाँ से सामने से चिकन लेते हैं और ला के देते हैं। सो मैं आ गया अपने गंगाराम अंकल के राशन की दुकान पे, और आज अकेले शायद, तो देखिए यहाँ पर अंकल मेरा सब राशन निकाल रहे हैं। हाँ, पूरा राशन ले लिया मैंने और अभी मुझे 2 राउंड मारना पड़ेगा, क्योंकि 1 राउंड में ना इतना सारा मतलब सामान नहीं लेके जा पाऊँगा, जैसा ब्लॉग भी बना के रहता ना इसीलिए। तो इसको पहले घर पर रख कर आते हैं, और घर पर जाऊँगा ना मैं गाइस, तो आप लोगों को पूरा शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या लिया है। तो फाइनली गाइस पूरा सामान लेकर आ गया मैं, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। फातिमा कपड़े नहीं पहने, फातिमा को नहीं लूँगा ब्लॉक में। ये देखो मैंने ले लिया है धनिया, हल्दी की बुक्की 1.5 किलो और 1 किलो। ये कौन सी दाल है? तुअर की दाल है, ये मेरे को मालूम नहीं पड़ता ना दाल। 1.5 किलो हल्दी की बुक्की, 1.5 किलो धनिया की बुक्की लिया हूँ, और ये 1.5 किलो मसूर, आधा 1 किलो मसूर की दाल, और आधा किलो खुली वाली चाय पत्ती लिया, पैकेट वाली नहीं लिया मैंने। और इसमें क्या, इसमें तो चिकन और अपना वो मसाला है, चिकन मसाला है, और फातिमा की हगीज़, कोतमीर और लहसुन सब इसके अंदर है। और ये देखो यह मैंने लिया डेटॉल साबुन। अब डेटॉल साबुन इस्तेमाल करेंगे अपन, दूसरा कुछ साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा रहता है एकदम। 99% कीटाणु मारता है मेरे ख्याल से, तो वैसे शायद कुछ लिखा हुआ। तो मैंने ये 5 पट्टी ले लिया, मतलब 5 पीस ले लिया था सिर्फ, और 1 किलो मीठा तेल ले लिया था, और 1 किलो शक्कर। अरे माँ मेरी चावल, चावल भूल गया, अब जाके दुकान से वापस चावल लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये देखो कांदा और बटाटा ले लिया, और टमाटर भी लिया था मैंने। 1.25 किलो कितने रुपये मिला? 35 रुपये का, 35 रुपये का सिर्फ 1.25 किलो मिला। हालांकि 20-20 रुपये, 25-25 रुपये में 1-1 किलो टमाटर आते थे। खैर कोई बात नहीं, अभी महंगाई भी इतनी बढ़ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैं उतना भरा है, और टेंशन नहीं है क्योंकि अपने को दिखावा करने की आदत नहीं है भाई, तो इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, अभी जाते हैं फटाफट दुकान से लेकर आते हैं शक्कर। और कुछ लाने का? देख लो सब कुछ ला के दे दिया, ठीक है? चावल ही बाकी बस। हाँ चावल ही लेकर आता, बाकी सब ला के दे दो, सिर्फ चावल है वो मैं भूल गया मेरे ध्यान से, क्योंकि मैं ना ज़्यादा सामान मेरे दिमाग में ना लोड नहीं रख पाता, तो इसलिए मैं भूल गया। और यहाँ पे देखो फातिमा का पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि आज जुमा भी है। तो गाइस आप लोगों को हमारी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो, और सालिहा की तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत जुमा मुबारक। सलाम नहीं की अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो आप? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज ब्लॉग शुरू करके आप लोगों को वेलकम है सालिया से शेक्यू ब्लॉग में। सालिया क्या करने जा रहे हो तुम? तो मैं जा रही हूँ फातिमा को मिलाने के लिए, अभी थोड़ी देर से बनाऊंगी खाना। हाँ तो आज खाने में बनाऊंगी चिकन का सालन, चावल जरूर शेयर करेंगे आप लोगों से, जरूर रेसिपी शेयर। इंशाल्लाह 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 रेसिपी शेयर नहीं करेंगे, मतलब जैसे हम लोग जो डेली ब्लॉग बनाते हैं ना उसी में शेयर करें, क्योंकि भाई इतनी अच्छी रेसिपी हम बना नहीं पाते हम लोग, तो जो भी मतलब डेली ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करते हैं तो वो शेयर करेंगे गाइस। और ये देखिए मेरा कुछ ना ज़्यादा ही मतलब डेटॉल वो लगाया था ना, डेटॉल मैंने डेटॉल पूरा ऐसा, तो देखो कितना वो हो गया, देखो पूरा ज्यादा बढ़ गया, हो गया हो गया हो गया हो गया, फातिमा को नीला गया हो गया भाई। अरे बाप, चलो अभी मैं जाता हूँ दुकान से चावल लेकर आया था। हाँ इसको धोने में डालो, चलो ये गिरा हुआ था ना तुमने उसको धोया नहीं है, उसको अच्छे से धो, और वो टी शर्ट को मेरी। चलो हो गया हो गया, फातिमा को जब नहला रहा था ना गाइस तो बोलती है हो गया हो गया हो गया हो गया, हम लोग बोले हाँ बेटा हो गया हो गया। चलो अब राशन की दुकान पर नहीं जाऊँगा, मन्नी भाई की दुकान से लेकर आता हूँ। तो आ गया था मैं मन्नी भाई की दुकान पे चावल लेने, तो वहाँ पे निकल रहा अपना चावल। तो गाइस मैंने चावल ला के दे दिया चावल सालिहा, माशाल्लाह इनकी तैयारी चल रही है जो भी है, और वहाँ पे रख दिए गाइस बनाने। और देखिए आप मेरी फातिमा को ना माशाल्लाह कितना प्यारा तैयार हो गया बेटी है, छुपी रो स्टॉप ए ए टीचू, अले बाप ले बाप, ए टीचू पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया ए टीचू, अले बाप अले बाप। चलो आ जाओ गुम्मे गुम्मू को, गुम्मू गुम्मू को लेंगे, चलो नीचे चलेंगे नीचे, भाग बाहर भाग बाहर आ जाओ भाग, 11:30 बजे चलो बाहर आएंगे, आ जाओ। हाँ मेरी बेटी को थोड़ा सी बाहर घुमा के लेकर आता, हाँ बेटी अब्बू की जान
चलो उसको देखो, मैं आ रहा हूँ फातिमा को थोड़ा सी नीचे घुमा के, मेरा बच्चा घर फातिमा को लेकर आ गया मैं नीचे। इधर बाबू के साथ खेलेंगे, उधर खड़े रहो, रोने का नहीं है गंदी बच्ची। हाँ ऐसा खड़े रहने का, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह फातिमा, पाउडर देखो कितना लगाइए। पाउडर कौन लगाया बाबू तुमको? हाँ कौन लगा लिया इतना चला पौधल? बोले पौधल चाट रहे गंदे बच्चे। छी पाउडर चाटते हैं फातिमा, खाना नहीं खाती इसलिए बोलूँ, खाना क्यों नहीं खाती फातिमा? पाउडर चाटते हैं। मम्मा ऊपर है, मम्मा खाना बना रहे हैं अभी ऊपर। मम्मा खाना बना रहे हैं। हाँ क्या बना रहे मम्मा? खाना। हाँ तो हम आए हैं यहाँ पर मस्जिद के पास बैठे हैं। चलो बड़े अब्बू के घर पर चलते हैं। हाँ बड़े अब्बू के घर पर चलते हैं। चलो फातिमा को बड़े अब्बू के घर से मिला के चलो। तो आ गया हूँ मैं शफी भाई घर पर, फातिमा के बड़े अब्बा के घर पर। तो अभी भाई है नहीं, आठ नंबर गए हैं कुछ लाने के लिए शायद से, और मेरे स्कूल जाएगा ना। चलो ठीक है, आज जल्दी उठ गए तुम लोग। तो बाबू बड़े अब्बा नहीं है, क्या करते अभी? हाँ बड़े अब्बा तो नहीं है, चलो बैठते हैं थोड़ा टाइम पास करेंगे, फिर उसके बाद चलते घर पे। आज जुमा भी है तो नहा धो के रहते। तो गाइस मैं आ गया घर पे, और अभी जुमा की अजान होने वाली क्या हो गई? हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस रेडी हो गया मैं, और मैं जा रहा हूँ जुमा की नमाज़ पढ़ने। बेटा जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, तुमको भी लेके चलूँगा, ठीक है? जुमा की नमाज़ पढ़ने जाएंगे, अपन नमाज़ पढ़ने जाएंगे। हाँ मेरी जान, चलेंगे ना नमाज़ पढ़ने? चलेंगे ना अब्बू के साथ में, अब्बू का हाथ पकड़ के चलना। माशाल्लाह बरहान बढ़ाएगा तो कैसे मस्जिद जाएगा, कैसे क्या करेगा, वो सब भी ब्लॉग आप लोगों को देखने मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी प्याली जान है, मेरी प्याली जान है। अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे प्यारे बच्चे को, मेरे बच्चे को। अल्लाह अल्लाह, अरे देखो यहाँ तो भाई सो गई है। छोड़ो बेटा दाढ़ी, छोड़ो दाढ़ी, छोड़ो दाढ़ी, छोड़। और ये यहाँ पर सो गई है मस्त। चलो भाई बयान शुरू हो गए, चलो चलो अल्लाह हाफिज़। जा रहा हूँ मैं, आता हूँ जुमा की नमाज़ पढ़ के, और आप लोगों भी लेके चलता हूँ गाइस। चलिए जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ। चलो सब चप्पल जमा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट अभी जुमा की नमाज़ से आए हैं बाहर, और देखिए नमाज़ें सब छूट रहे हैं। सब बाहर आ रहे हैं, सब बारिश होती हुई सब अंदर बैठे ना। हाँ मेरा काटा नहीं, मैं आया हूँ। तो गाइस मैं आ गया घर पे, और माशाल्लाह देखिए सोलह ने भी नमाज़ पढ़ ली, मैं भी नमाज़ पढ़ के आया, और चिकन मसाला हम लोग का तैयार है यहाँ पर। बस अभी हम लोग बैठेंगे खाना खाने, और सोलह बात कर रहे हैं अम्मी से। चलो नमाज पढ़ लिए जी? हाँ। क्या कर रहे हो? अम्मी से बात कर रही हूँ। अम्मी से बात कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो ठीक है बात करो तुम। और मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, अरहान को देखो सालिहा ने क्या तैयार किया एकदम। ऐसा लगता है कि भाई पाउडर ना पूरा उसके मुंह पे गिरा दिए तुमने। मेरे बात लगाते कम, ये फैलाता ज़्यादा ना, तो इस वजह से ऐसा लगता है। तो हम लोग बैठे हैं अभी खाना खाने, सालिहा निकाल रहे हैं यहाँ पर खाना। और क्या बोलते हैं अब्बा? आइए आप लोग खाना खाने। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए सालिहा, क्या खुशबू आ रही है, एक नंबर। तो गाइस मेरा खाना ना सब खा के हो गया माशाल्लाह, और अभी हम लोग थोड़ा आराम कर रहे हैं, और अब्बा निकल गए नाला सुपारे के लिए, और मैं देखो गद्दा बिछा के मस्त लेटा हूँ यहाँ पर। और मैंने अभी जस्ट दवा लगाया, तो पहले यहाँ पे खुजली थी, फिर इतने हिस्से में आई, और अभी पूरा यहाँ वहाँ सब जगह हो रही है भाई, बहुत। अल्लाह अकबर। अभी दवा तो समझ लो मलहम लगा रहा हूँ, अगर दो तीन दिन में आराम नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मुझे दिखाने के लिए। अगर बाहर पूरा बढ़ गया ना तो गाइस मेरी एड़ भग जाएगी पता है। और अल्लाह आसानी दे, अल्लाह शिफा अता फरमाए। बस आप लोग भी दुआ कीजिए मेरे लिए। पहले भी बहुत होती थी, मतलब कैसे, जब हम लोग ना इमिटेशन में काम करते थे ना, इमिटेशन का शोल्डर का, तो पहले बहुत होती थी, लेकिन वो माशाल्लाह बहुत साल लगा उसको ठीक होने के लिए। और अब ये फिर से हो रही है, और हो भी रही है तो गले की तरफ हो रही है, जो कि मतलब पब्लिक में नज़र आता है, इधर पे हो रही है। तो इसको ठीक करना, बहुत जल्दी ठीक करना पड़ेगा, ऐसा फिर लोगों के नज़र में आएगा, दिखेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा इस वजह से। तो खैर कोई बात नहीं, अभी थोड़ा आराम करते हैं, मल्ला वल्ला के लिए। तो फाइनली गाइस हम लोग उठ गए, गाइस बड़ी। तो फ्रेंड हम लोग उठ गए सो के, तो मैं बना रही हूँ चाय, गरम गरम चाय निकल रही है। चाय पीबो, चाय पीबो, ए भाई नहीं इधर आओ, चाय पीबो, चाय पीबो। हाँ फालका खुल रहा है, तुझे फालका बंद कर देता हूँ। अरे यार अब्बा कपड़ा गिरा गया, कभी भी कहीं भी कुछ। किसके साथ जाएगी?
कहाँ पे जाएगी नानी के पास? आला। योला? आला। तो गाइस देखिए मैंने फातिमा को चप्पल पहना दिया और अब इसको लेकर जा रहा हूँ मैं भाड़ा थोड़ा घुमाने के लिए, क्योंकि देखो प्यारी सी शाम होने वाली है और फातिमा चलो भाड़ा जाके आएंगे। तो फातिमा को मैं इतने दिनों के बाद लेकर जा रहा हूँ भाड़ा, मेरे मुँह से अड़ा निकल गया था, चप्पल गिर गई इसकी, ऐसी होता है। तो पहना दिया इसको दोनों चप्पल, ये चप्पल ना थोड़ी सी बड़ी है तो इसके पैर से बार बार निकलती रहेगी, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा वरना रस्ते में ना गिर जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा चप्पल कहाँ गिर गई है ना। फातिमा योला जाएंगे? हाँ योला चलेंगे। मम्मा मम्मा के पास नहीं जा रहे? महाड़ा कहाँ जा रहे? महाड़ा बोलो, महाड़ा। तो माशाल्लाह हमारे सफान भाई मिल गए, क्या बोलते सफान भाई? खैरियत? तबीयत वबीयत कैसी है अभी? ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह शिफा दे, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। तो ठीक है चलो, अभी छोड़ो ना, चलना अंदर, माशाल्लाह अच्छी बात है। तो ये सफान भाई का ना बाइक से एक्सीडेंट हो गया था बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल पहले बोले तो 3-4 साल पहले, तो बहुत ज़्यादा ही मार लग गया था। तो भाई अभी तक मतलब चल नहीं पा रहे खुद से बिना उसके सपोर्ट के, तो वही लेके चलते हैं। बस आप लोग भी दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो आप फातिमा को ना, मैं देखो अभी कचर गुंडी आई है, कचर गुंडी से नहीं, कचर गुंडी के आगे से चलाना स्टार्ट करूँगा मैं और इसको पैदल ही लेके जाऊँगा। चलेंगे ना बेटा पैदल? चलेंगे कि नहीं? हाँ या ना बोलो। ये देखो ये देखो, ये ना ये हमेशा उल्टा बोलता है, क्या बोलता है तू? फिर से बोल। किसका? तेरा? ऐसे ही बोलता है ये। क्या कर मच्छी भर लेने आए थे तुम लोग? नहीं हम लोग। सलाम करो जल्दी, हाय नहीं करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तो देखो अच्छी अच्छी जगह आ गई है, अब फातिमा को उतारता हूँ यहाँ पे, पैदल चलो आ जाओ, हाथ पकड़ो, हाँ चलो। ये मेरी प्यारी बेटी, अरे बाप रे बाप, फातिमा तो भाग रही है यार, क्या बात है। चलो चलो आगे, ऐसे ऐसे चलो, कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसे चलो। हाँ चलो, मेरी अच्छी बेटी है ना, चलेगी ना? हाँ चलो चलो ठीक है, मिलेंगे तो अब इसको भाड़ा में जाके चला। उधर रॉकेट गई, रॉकेट ऊपर देखो, रॉकेट गई ना। शाम का मौसम कुछ इस तरह है और अभी फातिमा को मैं ना वहाँ पे लेके जा रहा हूँ सामने उधर पे, क्योंकि वहाँ पर मेरे ख्याल से मैच खेल रहे और उधर का रोड भी थोड़ा सही है ना, तो इसलिए इसको घूमने में बहुत मज़ा आएगी। और यहाँ पर देखो खबर खबर रोड है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं उतारूँ, उसको बिठा के वहीं उतारूँ, क्रॉस कर लेते अपन इसी। तो यहाँ पे लोग बकरी भी चराने आए हैं और मैच भी ज़्यादा कोई खेल ही नहीं रहा है, तो जगह खाली खाली दिख रही है और यहाँ पर बैठने के लिए भी अच्छा, देखो सब आंटी लोग बैठते हैं। मैं खुद आके पहले यहाँ पर बैठता था और कैसा नात वगैरह भी सुनता था, मस्त टहलते रहता था यहाँ पर, पहले मैं खुद ही आता था यहाँ पर। तो फातिमा को सोचा मैं चलो ऐसे लेकर आता हूँ, काम की छुट्टी भी है और शाम का टाइम हो रहा था, ज़्यादा लेट कर डालता था तो कैसा अंधेरा हो जाता था, फिर तब लेके आने मज़ा नहीं आती, फिर इस वजह से अब भी लेकर आया हूँ शाम के टाइम, एकदम मस्त ठंडा ठंडा टाइम। मेरी बेटी इस पर बैठेगी, ऐसे बैठो, हाँ बैठ जाओ साइकिल पे, अबू भी तुम्हारे बाजू में बैठ जाते हैं, ये बैठ गए ना मेरी बच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कैसा लग रहा है इतने दिन के बाद आके बाहर तुमको? उधर चलेंगे, चलो खड़े हो जाते, हाँ चलेंगे, उठो उठो बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फातिमा के कदम लड़खड़ा रहे हैं, बोले कैसे जमा लिया उतना, ये अरे वाह, चलो शाबाश, आ जाओ उधर जाकर आएंगे, हाँ आगे जाके आएंगे, चलो आगे आगे घूम के आएंगे, रोने का नहीं, रोने का नहीं, अब्बू है साथ में, टेंशन मतलब ठीक है, अब्बू है, नहीं रोने का, नहीं रोने का, गंदी बात गंदी बात गंदी बात गंदी बात, अब्बू है ना, चलो आगे जाके आएंगे, आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ अला मलम से, चलो नहीं रोने का, नहीं रोने का। अब बिना रोए ज़रा चल रहे हैं मैडम, देखो मज़ा आ रही है इनको चलने में, लेकिन थोड़ा सी लड़खड़ा रही है फातिमा, फाते ना मज़ा आ रही है ना, फाते ना फातिमा को बहुत मज़ा आ रही है यहाँ पर चलने के लिए, माशाल्लाह देखो यहाँ पर आना ना बहुत मज़ा आती है, हवा बहुत प्यारी चलती है यहाँ पर कुछ भी बोलो। और यहाँ पर देखो पिछले साल तो इधर पे मेला वेला लगा था, यहाँ पे मैच विच भी मेरे ख्याल से बहुत खेलते हैं, लेकिन अभी इतना चिकड़ वगैरह घास है तो ये रोड पर ही खेलते हैं फिलहाल तो। अरे आराम से बैठे, आराम से आराम से, अरे फातिमा की चप्पल टेढ़ी हो गई है, मुझे ना दूसरी चप्पल लाने का तरीके से घाई घाई में निकल गया ना, अरे निकल ही गई फातिमा की चप्पल, शेट अल्लाह, अब क्या करेंगे कैसे पहनेंगे इसको? अरे तुम लुढ़क क्यों रही हो फातिमा, पहनो इसको पहनो, चलो चप्पल पहन लो, वो वाला पैर, अरे पहले से इसमें चप्पल है, इसमें पहनो, हाँ इसमें पहनो, बहुत कमाल करती है, हाँ इसमें पहनो ऐसा,
अच्छे से पैर डालो यार, क्या हो गया तुम्हारे को? हाँ ऐसा पैर डालो, डालो जल्दी जल्दी डालो अच्छे से, एक नंबर है। मैं तो अभी हम लोग थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद चले जाएंगे सब लोग, 10-15 मिनट और बैठेंगे यहाँ से फिर चलेंगे। और ये देखिए फातिमा बिना चप्पल के बैठी है, इसकी चप्पल निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि कुछ फ़ायदे की नहीं है, बार बार निकलते रहे वो निशान, मेरे ख्याल से ना टूट भी गई। हाँ देखो टूट गई है, अरे इसीलिए फातिमा के पैर से चप्पल निकल रही थी, फातिमा की चप्पल टूट गई है। हाँ बेटी टूट गई है, यहाँ पर देख ही आने जाने वाले पब्लिक लोग कौन कौन नज़र आ रहा है, नया नया बंदा। हाँ बंदी सोच में भी जाएगी, बोले कौन कौन नज़र आ रहा है मुझे, है ना फातिमा। ये चप्पल ने इतना धोखा दिए, जैसे मेरी बेटी चल रही है बार बार निकल रही है यार। सही में मेरे को ना एकदम टाइट वाली चप्पल लेकर आना चाहिए था, इसकी मैंने गलती कर दी हाली ला के। तो वहाँ से आ गए हम लोग घर पे, फातिमा आ गए ना। हाँ फातिमा आ गई नंगे पैर, क्योंकि चप्पल तो बार बार उतर रही थी, इसलिए मैं पहनाया नहीं इस रस्ते में। और इसको देखो भाई काजल कितना फैला लिया भाई साहब ने, चलो कम काजल लगाओ इसको। हाँ देखो बाप रे बाप, और हाँ ये क्या है बेटा वो पूरा काजल फैला लिया इसने। हाथ देखो इसके, हाथ देखो हाथ देखो हाथ देखो, भागो 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 भागो। तो गाइस देखिए माशाल्लाह सालेहा यहाँ पर मेरे लिए रोटी बना रहे हैं। हाँ शालो जी हाँ, क्या बात है यार, कैसा मुझे रोटी उठ गए, नींद पूरी हो गई। अरे अल्लाह फातिमा छोड़ो 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 सब पागल है ना गाइस। मैं देखें यहाँ पे ना चार्जर बना रहा था, तो ये जो प्लास्टिक है ना ये फातिमा, ये क्या है क्या है गिरी खेची। तो गाइस मैं ना चार्जर की पिन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पिन तो बनी नहीं मेरे से, उल्टा और ख़राब हो गई। खैर चलो कोई बात नहीं, और अभी बच चुके हैं रात के 11:30, हमारा खाना वगैरह सब खा के 11:30, अरे माँ मेरी सॉरी 11 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है गाइस। तो माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ा सी टाइम देखने में ऊपर नीचे हो गया। तो अभी हम लोग ने खाना ना खा लिया माशाल्लाह। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अपना प्यार सब बड़े ऐसी बनाए रखो, बोलो बनाए रखो, आई लव यू, आई लव यू, सबको बोला आई लव यू। चलो सबकी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, कमेंट करो जल्दी जल्दी।